पढ़ेंगे आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू के खेतड़ी से। आपको बता दें कि महिपाल मेघवाल के हत्याकांड मामले में आज चौथे दिन भी धरना जारी है। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में चौथे दौर की वार्ता विफल होने पर यह धरना अभी भी जारी है। देर रात भी धरने पर मौजूद ग्रामीण जो है वो एडीएम जेपी गौड़, एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने धरना स्थल पर आकर वार्ता की थी, कोशिशें हुई थी। मृतक की दोनों बेटियां और दोनों बेटे प्रशासन की बात से सहमत नहीं हुए, तो चौथे दौर की भी वार्ता विफल। देर रात भी धरने पर मौजूद रहे ग्रामीण अधिकारी पहुंचे बातचीत के लिए, लेकिन बात बनी नहीं। महिपाल मेघवाल के हत्याकांड और उसको लेकर जारी ये अनिश्चितकालीन धरना आज चौथे दिन भी जारी। देर रात में ग्रामीण धरने पर बैठे रहे तो इनको मनाने की कोशिश वहां पर की गई, बातचीत की कोशिश की गई। संदीप केड़िया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर कनेक्ट हो गए हैं। आज संदीप, चौथे दौर की वार्ता भी विफल, वजह क्या निकलकर सामने आ रही, बात क्यों नहीं बन पा रही, आखिर क्यों लगातार ये अनिश्चितकालीन धरना जारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ डिमांडे हैं जो पूरी नहीं कर पा रहा है प्रशासन, और हालांकि व्यवहारिक तौर पर उनको सही कहा जाए या नहीं कहा जाए वो भी एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर जो मांगे हैं वो प्रशासन है वो उन पर आश्वस्त कर रहा है, लेकिन इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले इन मांगों को पूरा किया जाए। हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि हमें वो रिजल्ट चाहिए, वो परिणाम चाहिए, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह की मांगे हैं और लगातार प्रशासन और पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके वार्ताएं सफल हो और परिजन है वो शव लेने पर राजी हो, उसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जाए ताकि अंतिम संस्कार हो। इसके अलावा भी यदि ऐसा नहीं होता है तो कई बार देखने में आया कि पुलिस कानून का सहारा लेते हुए न केवल सबका पोस्टमार्टम कराती है बल्कि दाह संस्कार भी कर सकती है। तो अब पुलिस इस दिशा में भी सोच सकती है कि पुलिस अपने कानून का जो कानून है उसका सहारा लेते हुए और खुद पोस्टमार्टम करवाए और खुद ही दाह संस्कार करे। तो कुल मिलाकर अभी आज भी वार्ता के लिए समय दिया हुआ है और एडीएम और एडिशनल एसपी को प्रभार दिया हुआ है पुलिस और प्रशासन की तरफ से कि वो जाके लगातार वार्ता करे और लगातार वार्ता करके कोई रास्ता निकलता हो तो वो निकाल लीजिए। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो संदीप केड़िया हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगातार वार्ता का दौर चल रहा है लेकिन बात बन नहीं रही है, जो मांग है उससे प्रशासन सहमत नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये जो है प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है। अगली खबर